घर आते ही ऐसे सोए चोए साहब, तो अब सीधा गाड़ी निकाल लेंगे, उसे धुलवाएंगे, देखेंगे थोड़ा चला गया। अब फिर मन कर रहा मैंने वही बस रेस दाबो ब्रेक मारो, रेस दाबो ब्रेक मारो। आते हुए यहाँ पे मेरे टोल पे क्या वो भी दिखाऊंगा, अभी गैराज में जाके हर्ष की गाड़ी के साथ, उसकी बेचारे का काला टाइम चल रहा बहुत ज्यादा। अभी छोटे लक्ष्य को मैंने फोन किया, वो यहीं पे था हॉस्पिटल में, उसकी शायद तबीयत खराब हो रही। मैं कह रहा चल ठीक है, जब तबीयत खराब हो रही तो नहीं मिलने, कह रहे नहीं नहीं अब तो सही होगी। मैं ठीक है तो आ जा। तो अभी घर पे आ रहा, फिर फैक्ट्री में जाएंगे एक बार गाड़ी उठाने, वहीं पे खड़ी हुई वो दह गाड़ी मुजफ्फरनगर में पिल्लम पेल, उसमें भी तो स्क्रैच मरवाने। अभी किंग्स पहुंच गए, आगे भी असल खत्म नहीं हो रही, वही ऑफिस वही वीडियो एडिटिंग। जूते कैसे बताए घर वालों ने? रेट नहीं बताया, पर वही है 5,000 पैरासीटामोल के पत्ते हैं। बाप की एक दिन की मेहनत, आज तो वही है मनीष धोनी मोटिवेशन। डाके ने तो आज प्रूव कर दिया यार, मुझे भी एक रील करनी, पर कल करेंगे शूट। आज घूम के लगे बाइक पे, स्टीयरिंग टेढ़ा हो रहा जब से गिरा तो अब तक दोपहर गिरा। अरे नहीं भाई गिरा नहीं हूँ, बाइक को सुला रहा था। कैसे उठेगी? किसी ने देखा तो नहीं? चुपचाप निकल लूं। रिकॉर्डेड है, मुझे याद है मैं ऐसे पोर्ट्रेट मोड में ना ऐसा करके इसकी वीडियो बना रहा था, तू 120 बता रहा था। अरे इंस्टा पे मैंने डाल रहा था आई लव स्पीड करके, अरे हैशटैग बाइकिंग हैशटैग राइडर। अब तो वो आरगाई में डाल लिखी। मैं यूट्यूब फैमिली से बताना चाहूँ, यो भाई जब आई थी ना पूरा शहर देखा था इसे, अकेली थी ना यो, इसके बाद ही आई RS 200 जितनी भी आई। ब्लैक उसके कलर में पहला होता प्लीज, हमारे शहर में बस निंजा तो थी ग्रीन कलर की। अब तो लेकिन कोई वैल्यू है, अब तो दुनिया, अब तो अपने एक जानने वाले भाई पूछा, जो हमने स्टोरी टाइम में बताया था इसी बाइक पे से गिरे थे हम। एक बार घूम करिए और आ गया लड़कियों को यहाँ भागी आ रही सारी। गुड बॉय उक्का तार बॉयज। सुबह के 7 बज रहे हैं और ऐसा मुझे फंडनगर में ही हो सकता है कि मैं सुबह के 7 बजे उठ जाऊं, और ये 17 मई की सुबह है, मतलब जिस दिन तुम ये व्लॉग देख रहे हो उसी दिन की सुबह है, क्योंकि फिटनेस इज माय पैशन। तो और जब मैं सुबह उठा था मम्मी कह रही अरे कोई नहीं आराम कर ले, मैं है आरा, मैं तो 7 बजे उठता हूँ ब्रो, मैं आराम किसे कह रहे, मैं आप करो आराम, मैं हम तो चले पुशअप मारने जिम विम करने। और ढाका जी आने लग रहे हैं, मैं और ढाका जा रहे हैं बस। कितना पीसफुल है 6 बजे उठना, अगर आप 2 बजे ना सोए हो तो। वैसे तो 6:48 हो रहे लेकिन हैं तो 6 ही ना। इस बाग का रास्ता तो यहाँ से लेकिन 2 किलोमीटर दूर है एटलीस्ट, सड़क से जाओगे तो दीवार नहीं कूद देंगे क्या? इतना पास है क्या यहाँ से? पूरी जो जाट कॉलोनी सुमन विहार है, ये पूरा कंपनी गार्डन में से ही तो कटा हुआ। सुमन कौन है? सुमन विहार गया ना इसे, फॉरेस्ट गंप वाली फीलिंग। अभी जब मैं आ रहा था ना तेरे घर तो मुझे MG के बच्चे दिखे, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे, वाइब चाहती रहा देख, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो यार कि कभी हम भी सुबह सुबह 7 बजे उठ के ऐसे जाया करते थे, और बढ़िया बिना नहाए भी गए। एक आधा बच्चा दिख रहा था बिना नहाए वाले, नहाने वाले भी दिख रहे थे जो फ्रेश, जिनमें से किंग में से बिल्कुल साबुन की स्मेल आ रही थी। एक पहले ही भी तो मानना चाहता अगर स्कूल में कोई डीओ लगा ले तो, मतलब सिक्स तक तो आराम आदमी था, डीओ का तो क्रेज 11-12 में आया, घर वाले भी पूरा सामान्य थे, जब पोटरी बजा। और हमारी तरफ तो सारे बच्चे MG की यूनिफॉर्म में दिखे, और यूनिफॉर्म भी तो ले गया सरकारी सी, बैठने आएगा यहाँ भाग लो आके। इतना भाग गया बता, पेड़ हवा दे रहे वो दे रहे ऑक्सीजन, तू वेस्ट करेगा, खींच लो शाम तक के लिए, बैकअप बना लो ऊंट की तरह, उसमें ले जाऊंगे जार में रख के, ऊंट की तरह फेफड़े बड़े कर लो। कंपनी गार्डन में बैठ के अगर सिगरेट पी ली ना तुमने, न्यूट्रल है मामला, यही के यही। कितने चक्कर मार देगा तू इसके? गोल राउंड। अच्छा एक भी नहीं मारने का मैं, कच्ची उतार के नच्चा गए यहीं, कच्ची का सब उतार दूंगा। गोप्रो नहीं, गोप्रो टांग के यहाँ टंडा मार देगा कोई, गोप्रो में डर के इन्होंने देख के गोप्रो टंडा सीधा शीशम की लकड़ी मारेंगे। तू मार देता होगा पूरा राउंड? 5 राउंड मारे तेरे भाई, 5 ना पता नहीं कितने, छोटा रास्ता देखा हुआ कोई इसने, कोई छोटे ट्रैक को बड़ा बता दे। प्रूफ भी कैसे करूं, पीछे फोन लेके भागना पड़ेगा, कटा हुआ रास्ता दर्द है। एक और चीज कटी हुई है वो भी नहीं ली जाने की तेरे पे। तू कितने चक्कर मार दे छोटे आगे? एक दो। अच्छा कभी अद्धा मार के वापस गया अगर अद्धे में से? अद्धा तो कुछ भी नहीं होता, घर तो तेरा यहाँ पूरे चक्कर के बाद, अद्धा मार के कहाँ जा? अद्धे में से निकल जाऊं सीधा, बीच में से कहा निकल जा। फोन में उंगली किसी अड़ा रखी? नहीं आई नहीं रही, नहीं आ रही। आज यहाँ तेरा वो बहम भी तो काट दू रेस मारने का। ओहो हाँ भाई पकड़िए, ड्रैग रेस है क्या आज? पैरों की ड्रैग घूम के लगे, तेरा बहम काट दो आज। मैं सोच रहा टी शर्ट पहनी आऊँ फिर यार, मगर योगंदी हो रही हुई पहन लू। वही आई एम अबाउट टू एंड दिस मैन्स होल करियर। बांधना लिया चाबी का फिर, जे बारिश ही होगी थी भाई। वाह लड़के बस भाग ले। अब कतरे के भाई इतनी जल्दी 3-2-1 करेगा भाग जाने को, फिर भी मैं भाग लिया मगा। चल नहीं तो तू कह देगा मेरी बार मिल ले जल्दी कर ले थक रहा अब का भी इसे मार ले।
तुझे एक बहुत आइकॉनिक जगह दिखाऊंगा ना। छोटे याद आ रहा है उस टेंथ के बोर्ड, हम वहां से आ गए इस वाले रास्ते से आ गए तो इधर वाले रास्ते से आगे छोटा दो पेड़ के नीचे बैठा रहेगा जो लिपस्टिक के पेड़ है ना वहाँ के काबिल। अरे यूकेलिप्टस बोल रहे हैं ना, पर हमारे यहाँ लिपस्टिक ही बोल रहे हैं। ये जो लिप्टस के पेड़ है ना छोटा, तो इनके नीचे किताब लिए बैठा रहता। अरे साहब इस गली आ रहे हैं फोन पे लग रहे हैं, तब तो आदत पड़ी थी ना फोन पे बात करने की। वो छोटे वाला था सैमसंग गैलेक्सी डुअस, यहाँ से लगाया। ग्रुप स्टडी है हमारी, बात करते पता नहीं इनके कितने पत्ते तोड़े मैंने। यहाँ वो बनाते रहे थे लोग म्यूजिकली थी, तब टिकटॉक ने था म्यूजिकली थी, यहाँ म्यूजिकली बनाते रहे थे। इसमें कम से कम मैंने आधा इंच पौना इंच तो नीचे कर दी होगी, चल चल गए इस पे, इतना चला मैं फोन पे बात करता हुआ। तुम्हारा खानदान यहाँ वाटर शो किया करता था एक जमाने में, काम पिट गया उनका। यहाँ मैंने वो देखी एक बहुत तगड़ी म्यूजिक वीडियो बनती हुई, कंपनी गार्डन में शूट कर रखी थी एक म्यूजिक वीडियो। अगर मुझे मिल गई ना मैं तुझे लिंक भेज दूंगा, उसका लिंक डाल डिस्क्रिप्शन में। देख किन लिख रखा है, एसके शादी हो चुकी होगी अब तो बेचारा होगी दोनों की। एसके अभी यहाँ पे लड़ाई चल रही है, चक्कर कौन ज्यादा मारेगा, कौन ज्यादा राउंड मारेगा, तो कैसे पता लगाया जा चक्कर। या तो एक तो मार दिया मैंने, नहीं बड़ी मुश्किल में बचाया। अभी एक पुराने टीचर मिल गई थी स्कूल की, नहीं ट्यूशन की, किसने मैम ने कहा आंटी का, आंटी का सभी ने, मैं शुरू में एक दो बार मैंने मैम कहा, फिर आंटी कहने लगी अरे दूसरे बच्चों से सुन ले क्या बोलते हैं। मगर अच्छा जी, मगर आंटी बोल रहे हैं जी हाँ जय श्री आंटी कहा करते थे, खतरनाक थी भाई आंटी बहुत, लेकिन आज भी खतरनाक ही है। हमारे शहर में अगर कोई जय श्री आंटी के यहाँ ट्यूशन पढ़ रहा ना एडल्टहुड, वही पता लगे उसे जब दूसरे स्कूल की लड़कियां देखे देर इज समथिंग मोर इन लाइफ। क्योंकि अगर अपने स्कूल के टीचरों से पढ़ेंगे ना वो, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे होंगे, बट जब जय श्री आंटी के यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ होगा माहौल अलग अलग कंट्रीज का, वहाँ पता लगेगा कि जिंदगी में और भी क्या कुछ है। तुम भी तो थे हमारे, तुम मोहल्ले की बात थी। तो जय श्री आंटी ने लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करा, दुनिया दिखाई, मतलब वो लाइफ का वो पार्ट एक्सप्लोर हुआ वहाँ जाके। नए दोस्त एटिकेट्स, नहीं तो पता थोड़ी था किस लिए जीना है, तुझे सब पता क्या? पता जॉब पे किस टाइम जाओगा? 9:30 बजे। नौकरी पैसा और क्या भाई, और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में। कौन सी हो रही जाता नहीं आज तो क्या, वहाँ चुम्मा देगा मैनेजर को जाके लिप लोक दे थैंक्स सर कहाँ झुट्टा करवाओ जा तू मुँह में। अरे भाई बुखार हो रहा था यो फुंसी, जब तो बुखार में फुंसी निकली, दवाई खाई 4-5 दिन लगा था तो फुंसी यो पता कब निकला, जब किसी का थूक लगे, थूक लग गया मेरा, कोई तो बात है। किधर लगा? लग इधर रहा, दिखाओ इधर रहा, वाह भाई वाह। सुबह सुबह क्या शांतिपूर्ण स्लो माहौल रहे, अभी मैं पिछली 15 मिनट से बैठा यहाँ, 7 ही मिनट हुई घंटे में, और रात में तुम 5 मिनट बैठ जाओ 15 मिनट हो जाओ 50 मिनट हो जाओ, बल्कि 5 मिनट बैठते तो 1 घंटा सीधा। बस हो गया इसका 10 दिन का वर्कआउट हो चुका है, काल्स बन गए। ऐसा है भाई मैं तो चल रहा भागने एक चक्कर अपना, तुम देख लो तुमने तो रेस्ट लगवा दी शरीर में, इतना हेल्थी है जिम जाके भी सो सके। ये बढ़िया नहीं है मशीन तो वो ही सही थी, पर वहाँ भीड़ हो रही। किस वाली पे तो सो रहा मैं, लेग वाली पे। अब तो तू मुझे पसीना पसीना देखेगा, बस एम्बुलेंस में रख के जाओगे, इतना वर्कआउट कर दूंगा ब्रूस ली की तरह मरी जाऊंगा वर्कआउट करते हुए। अब अगर साथ रहना तो भागना पड़ेगा। ये देख चीटर मुंह फेर लिया मुझे देखते ही, वो आ रहे सामने से। एक बार और रनिंग आओ, अब कैसे मना नहीं करी, कैमरा खुलते ही तो हाँ करे, नहीं तो मना कर रहा था। कह रहा मैंने एक बार कर ली, मैं रनिंग है कि चट्टी जो एक बार करने के बाद कर नहीं सकते, तो तुझे दिखाना कि फिटनेस इज योर पैशन लड़कियों को। ये लड़का तो बड़ा फिट है, हाय वेरी हैंडसम। चोगी यहाँ का नहीं उठा रही, सब जगह को उठा रही। कच्चे आम खाने क्या? कच्चे आम किन्ने छोड़ रखे होंगे तेरी खत्तर। ना 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 बेटी, माली के पैसे हैं ये कच्चे आम नहीं है, ये किसी गरीब के घर चलाने की वो है, गरीब का घर चला। देख जो झोपड़ी में बैठा वो बैठा, वो यही नहीं बेचता तेरे मेरे जैसों को। देखियो क्या करा, यू नहीं आता मच्छर नहीं है यहाँ के। अरे नीचे मुझे अपने बम्स पे भी फील हो रहा, वहाँ कैसे घुस गए मच्छर, मार देगा तू। तू खतरनाक आदमी भाई, तू तो मच्छर होगा वो मैं मार दे। अच्छा तेरे जुत्ते की चोट से मर जाएगा क्या वो, उसके ब्रेन डैमेज हो जाएगा क्या? देख डाका जी कितना भाग रहे। देख सारा सामान लेकर भाग रहा, पूरा गल्ले आया जेब में। आज मैं सोच रहा तेरी बढ़ाई हो जाएगी अगर 6-7 राउंड मार देगा ना आज में, यहाँ से बढ़ाई बटोर के जाएगा। ये नहीं पता दो आदमी बिल्कुल लुल्लू बना रहे। अरे सही हुए हैं कि हम भी इससे आगे बहुत तेज भाग रहे, इस बैम में भाग रहा। एक तन ने बता दिया था कोई भी पार्क का एक राउंड भी नहीं मार पता तो यार 6 ही मार के दिखाऊंगा। आज तो डाका जी के गुड्डे तोड़ेगा, आज ना जाने का दुकान ना ऑफिस होने का, आज मैंगो शेक पीकर डाका जी सो जाएंगे। हाँ तो जैसे मैं तुझे बता रहा था ना, मैं योगा से बड़ा फैसिनेट हूँ और मैं योगा सिखाना चाहूँ, न्यूड करना भी चाहूँ सिखाना भी चाहूँ। कहाँ पे? कहीं भी, मतलब ऐसा कोई दफ्तर सा खोल लेंगे। दफ्तर में तो पकड़े जाए छप्पा लग जाएगा। नहीं जब क्लाइंट यू कह देंगे उनको बहुत बढ़िया सिखा रहे थे मजा आ रहा था। अरे क्लाइंट कच्चा भैया, क्या शरीर तो न्यूड में ही खुले, कपड़े खुले नहीं देते। आश्रम बना दो, ये आश्रम क्या ओपन होना चाहिए, बिल्कुल बारिश आ रही तो नंगे हाथ पे पड़ रही है, नेचुरल पड़ेगी वो, लेनी लेनी तुम्हें भैया। ठीक बता दिया तुमने, करा जाए इस डायरेक्शन में भी काम करा जा। एक जींस में आए अभी? हाँ एक जींस में घूम रहे थे, ऐसे भी था छोटी पहन रहा हूँ थ्री पीस। और हाँ आ जाएगा कोई कोई तो, हुए बालक से हुए खेलते फिर, किसी के मामा के
ब्याह आया होगा वो छोटा होने लग रहा होगा उसके माँ पर आगे भेजते हैं इनको, आज तो ले, आज तो ट्यूशन में भी हुई, आज कंपनी गार्डन में भी हुई। तुमने कभी ऐसे कोई वीर्ड कपड़े पहने? यार मेरे याद है एक, मेरी ना कोई दूर की दादी थी, उन्होंने कोई स्वेटर बना रखा था और वो पहनू नहीं था, मैरून से कलर का था वो, बड़ा अजीब लगे था मुझे और मुझे वो पहनना पड़ा था। मम्मी बनाया करे थी थोड़ा ज्यादा, राम जी लग रहे तुम पैरोगे रेडी में, मेरी दादी गए थी हाँ रेडीमेडी पैरा का सारे, ये भी पैरा कर चल रहे थे, बढ़िया रहते भाई कपड़े वाले, गर्म तो ठीक करने देवे पर थोड़ा मार्केट वैल्यू डाउन हो जा रही थी। अब तो कोई देते अब तो पहन लूंगा मैं, लेकिन बचपन में थोड़ा रहे ना कि जैसे दूसरे पहनने वैसे ही पहनने। मुझे कमेंट में बताइए कभी भी हाथ से बुने हुए पहनने हैं किसी ने, जर्सी बता रहे थे, एक जर्सी भी तो रहती बड़ी सी। आजा भाई आजा 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 मर जाएगा आज इस अर्धे, अगर तन्ने कह दिया ना आज कोई मारता है आगे तो पांच चक्कर और काई भागा तू और ढीला भाग रहा था तो सात आठ और मार देगा। देख अब के जब आवेगा ना तो हम हल्के से भाग के दिखा देंगे, फिर तो और तेज भागेगा। अब के जैसे आवेगा ना या यहाँ वो करने लगेंगे पुशअप वगैरह, थोड़ा भागेंगे इसके हाथों में। आज मैं इसे गोड्डों में लाके पूछाऊंगा अगर, जब तक यूँ नहीं कहता मुझे फेंक गया मेरे घर, इसकी हर्ट करने का तो मुझे पता या यूँ यूँ कह दी हल्का सा लग रहा, हल्का वर्कआउट मारा पतला तो हो रहा जब खत्ता ही नहीं कुछ। अरे भाई यहाँ तो भाई घर वाले तो का पूरा ये टोटली डिपेंडेंट है अपनी मम्मी पे, अब वहाँ तो मम्मी है नहीं, वहाँ जब भैया कुक हैं जो टाइम से बनावे बनावे खत्ते हैं नहीं, खत्ते हैं नहीं, बस दो चार रोटी बटी करा चली, फ्रूट्स है नहीं पता क्या खाना क्या नहीं, ब्राउन ब्रेड कुत्तों को दे आवे सारे। आ जा भाई इसके ग्राउंड और फालतू ले अम्मा गोपने सा के निकाल के फिर बैठ जाएंगे पूरा, बहुत एक्सरसाइज करा सकूं इस अगर ये एक बार और आ गया, मैं यहाँ एक्सरसाइज में लग गया चाहे अपने आप को कभी भी सोच रहा होगा हो जाने करा जा के। कुछ लोंडे बंक मार के टिकटॉक बना रहे हैं, रील वीडियो बन रही है, फिर भी पूरे नहीं हुए तेरे, तीन लोंडे बंक मार के रील वीडियो बना रहे, फ्यूचर खतरे में नहीं है ठीक है, रीच मिलेगी, रीच मिलेगी इंस्टाग्राम पे ही तो है, बता हम भी बना रहे एक रील, मका मेहनत ही क्या करे जब किस्मत की माँ चुरी हो।